अभी कुछ और जगह मुझे कलर भरना है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू कलर बना के रखा हुआ है, ये लाइट कलर है, ये उससे डार्क है, ये उससे डार्क है, ये उससे डार्क है। इसी तरीके से आपको भी इस कलर एकदम संभाल कर भरने हैं। देखो ये हो गया इतना पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी यहाँ पे इधर और इधर पूरा भरने का है। अभी हम दूसरा कलर भरते हैं, जैसे कि अभी मेरे पास ये ब्लू कलर है। इसी तरीके से पूरा ड्राइंग लाइट डार्क कलर कलर से ज़्यादा शेड बनाओ और ड्राइंग को कंप्लीट करना है आपने। तो ये ब्लू कलर मैं यहाँ पर इधर 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 पूरा कंप्लीट करूँगा। अभी हम आगे के कलर भरते हैं, जैसे कि अभी मैंने ये ग्रीन कलर लिया है। मैंने डिसाइड करके रखा है कि मुझे कहाँ कहाँ भरना है, इसलिए मैंने कलर के डॉट लगाए हुए हैं। अभी यही कलर मैंने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये कलर जो मैंने चॉइस किया हुआ कि मैं लाइट ग्रीन कलर भरने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर भी बनाया हुआ है। अगर छोटा पार्ट है तो थोड़ा संभाल के भरो। इसी तरीके से मुझे पूरा ड्राइंग कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे हमने व्हाइट कलर से फिश को आउटलाइन किया हुआ है। ड्राइंग अभी 80% 90% कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इस फिश को ब्लैक कलर से आउटलाइन कर रहा हूँ, बाकी जो फिशेस है उसको मैंने व्हाइट कलर से आउटलाइन किया है। इस तरीके से आप कुछ अपने मन से अलग भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर भी इसको आउटलाइन करना है तो आप आउटलाइन भी कर सकते हो। अगर आपको और लगता है कि इसमें टेक्सचर करने का है या कुछ और करने का है तो आप कर सकते हो। आपको अगर लग रहा है कि मुझे व्हाइट कलर से कुछ थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टेक्सचर करना है, जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। ओके चलो आप लोग ड्राइंग स्टार्ट करो।